बाड़मेर के पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। क्षेत्रवासियों के अनुसार बुधवार रात बाइक पर आए युवक एक व्यक्ति को मृत अवस्था में यहां छोड़कर चले गए। वहीं पुलिस ने क्षेत्रवासियों से पूछताछ कर शव को राजकीय चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाया। बाड़मेर शहर में दो अलग अलग रास्तों से दो बाइक आती है। दोनों बदमाश बाइक से नीचे उतरे और बाइक पर बैठे मृत युवक को खंभे के सहारे प्लेटफॉर्म के नीचे छोड़कर फरार हो गए। घटना बाड़मेर शहर के गांधी नगर स्थित पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म में हुई। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बुधवार रात को आसपास काफी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस और डीएसपी आनंद सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखकर उसकी शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन रात भर में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। गुरुवार सवेरे मृतक की पहचान हनुमानगढ़ निवासी प्रेम कुमार के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात करीब 11 बजे पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान हमने दो बाइक आई और दो लोग बाइक से नीचे उतरे। एक व्यक्ति को बाइक से नीचे उतारकर पुराने प्लेटफॉर्म के नीचे खंभे पर बिठाकर भाग गए। हम वहां 15 मिनट बैठे रहे, लेकिन कोई हलचल नहीं देखी। छात्रों ने मकान मालिक और आसपास के लोगों को बुलाया और पड़ोसी भी वहां पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई। करीब आधे घंटे बाद डीएसपी आनंद सिंह, एसआई लूनाराम मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। कोतवाली एसआई लूनाराम के मुताबिक खंभे पर प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा है युवक की मौत हो गई है। युवक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे थे। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। वहां पहुंचो तब हमारे कांस्टेबल की ड्यूटी श्री भादर राम और मैं भी पहुंचा। यहां देखा तो ये भाई आदमी बैठे जैसी स्थिति में है। इसके कोई चोट वोट तो नहीं आई है, फिलहाल इसकी डेथ हो रखी है। मौके पर हमारे उच्च अधिकारी दीप साहब भी पहुंचे, उन्होंने भी देखा है, पता नहीं है। फिर भी हम जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है। जो भी जैसे लोग क्या आसपास लोग यही बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल आए थे और यहाँ छोड़ के चले गए हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि दो बाइक आई थी और यहां से चली गई। मौके पर पहुंचे डीएसपी आनंद सिंह ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। वहीं पुलिस आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है। पुलिस ने घंटों की मेहनत के बाद मृतक की शिनाख्त हनुमानगढ़ निवासी प्रेम कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।